सबसे पहले थैंक यू MPL न्यूज़। मेरा नाम है जयंतर हाकर, हम अपर सुबनसिरी से बिलोंग करता है और हम इस बार का जो गलो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन 2022-25 में हम आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मीडिया का थ्रो से हम जितना भी मेरा GSU का फेडरल यूनिट है, लाइक है वासु, रामलेबांगो, उसाक्सु, जिगो युगो और हिरुगिरा जितना भी है, उन सभी को हम मीडिया का थ्रो से हम रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग इस बार हमको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा आर्ट एंड कल्चर के लिए। और हम वो जितना भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट एंड सेक्रेटरी कैंडिडेट है, जो सेक्रेटरी के लिए आ रहे हैं, प्रेसिडेंट के लिए आ रहे हैं, उन सभी को भी हम रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सबका प्यार मोहब्बत भी हमको दीजिए। और जितना सकेगा हम अच्छा से गलो के लिए हम काम करेगा, वो सोच के हम इस बार गलो स्टूडेंट यूनियन GSU में हम पार्टिसिपेट कर रहा है आर्ट एंड कल्चर में। और आर्ट एंड कल्चर हम इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि हम अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशनल को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। हम अपना ये नहीं कि हम डांस करने आता है, गाना गाने आता है, वो नहीं होता है। अगर एज ए लीडर, अब लीडर वो होता है जब एरिया को, टीम को कैसा लीड करना है, कैसा लेके चलना है। तो यही मेरा मुद्दा है कि हमारा जितना भी मेरा हमारा गलो समाज में, जो हम लोग का आज का ज़माना में ऐसा हो रहा है कि मीन जो धीरे धीरे अपना ट्रेडिशनल, अपना कल्चर ख़त्म होते जा रहा है। जैसे लाइक अभी हम भी कपड़ा पहना है, ये भी मेरा कल्चर नहीं है एक्चुअली। अगर हम अपना कल्चर और अपना ट्रेडिशनल का बात किया जाने, एक्चुअली हम ऐसा भी हम नहीं पहनना था क्योंकि मेरा हम अपना कल्चर को, अपना ट्रेडिशनल को हम प्रिजर्व करना था। इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम अपना कल्चर, ट्रेडिशनल को आगे प्रमोट करने के लिए, लेके चलने के लिए, और हमारा गलो स्टूडेंट यूनियन और गलो वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से भी हम जो जितना सकेगा उन लोग को भी टच करके, उन लोग का साथ लेके चल के, मीन्स हम जो उसको मेंटेन करना चाहते हैं, जो हमारा गलो स्टूडेंट यूनियन का थ्रो से हम कुछ कुछ प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ कर सकता है। लाइक जैसे कि एनी, जैसे हम लोग का कुछ लास्ट टाइम भी हमारा MPL न्यूज़ ने एक गलो फोक सॉन्ग कुछ वगैरह ऑनलाइन में करवाया। यह सब चीज़ को अगर हम लोग अगर ऑफलाइन में भी अगर ऑर्गेनाइज़ कर पाता तो और भी अच्छा है। तो यह सब चीज़ कुछ थोड़ा थोड़ा, ये कुछ कुछ ये सब चीज़ को देख के लग रहा है कि हम सच में हम एज ए गलो, तो हम तो इधर इधर का, हम तो आउट ऑफ इंडिया का तो नहीं है, अपना अरुणाचल का है। अपना ट्रेडिशनल, अपना कल्चर को प्रिजर्व करना है, मेंटेन करके रखना है, ये हम सोचते हैं ना। तो इसलिए हम जितना भी मेरा गलो इनहेबिटेड एरिया का, जितना भी हायर सेकेंडरी स्कूल हो, जितना भी सेकेंडरी स्कूल हो, जितना भी कॉलेज यूनिवर्सिटी, जैसे लाइक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, नरेश, उसके बाद आला, उसके बाद जोत लो कॉलेज और AU पासीघाट, एंड जितना भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है उन सभी का ब्रांच गलो स्टूडेंट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लुक से भी हम रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कृपया इस बार मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा सपोर्टिंग को लेके, आप लोग का सपोर्टिंग को लेके हम भी अगर सक्सेस हो पाता है तो हम गालों के लिए अच्छा काम करने के लिए हम कोशिश करेगा। तो ये मेरा एकदम दिल से आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और जितना सकेगा हमारा, हमको प्रमोट, हाँ, हमारा गालों को प्रमोट करने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम सब गालों है, कुछ कुछ चीज़ के लिए, कुछ कुछ पोस्ट के लिए आर्गूमेंट्स करते रहेगा, झगड़ा करते रहेगा, ये सब देख के भी अच्छा नहीं लगता है। ये सब बोलना भी नहीं, सोचना भी नहीं, जितना सीखेगा हम लोग यूनाइट होके रहना है। एक्चुअली यूनिटी, यूनियन मीन्स क्या को बोलते हैं एक्चुअली, तो यूनियन तो एक साथ यूनाइट होके चलने वाला को बोलते हैं ना। तो सोचते हैं कि हम लोग एक यूनाइट होके अच्छा से हम लोग चलना है, अपना
अपना कल्चर को मेंटेन करना है, अपना ट्रेडिशनल को मेंटेन करना है, और हम लोग अपना हर एक मीन्स अपना ट्राइब्स को प्रमोट करना है, जितना सीखेगा उसको हम लोग अच्छा करने के लिए कोशिश करना है, यही मेरा एक सोच है ना। तो इसलिए हम कभी नहीं सोचते कि हम जो इधर उधर का नहीं सोचते, हम जितना सोचते हैं हमारा एटलीस्ट तो हम जब गालो है तो हम लोग सब गालो मिल के चलना है, मिल के रहना है, यही हम हमेशा सोचते हैं। और हम कभी नहीं सोचते कि अब वेस्ट सियांग का है, अब लोअर सियांग का है, हम अपर शिवनश्री का है, अब लफा राधा का, ये सब हम नहीं सोचते। हम तो सोचते हम सब एक है, जब गलो मीन्स हम सब भाई बंधु है, और कभी एक दूसरे को हम खराब भी नहीं सोचता है, खराब भी नहीं पाता है। तो हम यही मेरा एकदम आज का या मैं MPL न्यूज़ में मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जितना भी मेरा कॉलेज सेकेंडरी स्कूल उसका बाद हायर और जितना यूनिवर्सिटी है और जितना मेरा फेडरल यूनिट है और सब हमको सपोर्ट कीजिए इस बार के लिए। और जितना भी अभी 5-4 कैंडिडेट है प्रेसिडेंट में, जैसे कि गोली दोई, तोदक मामले, अच्छा गोनू थाइफोडिया एंड बोजिर बोल, और 3 GS में है जैसे दोजुम अत, जुमरिक बागरा, न्यापा बागरा, उन सब से भी सर लोग से भी हम रिक्वेस्ट है कि इस बार के लिए हमको आप लोग भी अच्छा से सपोर्ट कीजिए। और हम भी आप सब अगर आप तीनों में 4, 5, 7 में से तो कोई ना कोई एक तो प्रेसिडेंट होगा, एक सेक्रेटरी होगा, क्योंकि ये सब इलेक्शन में तो सेकेंड तो नहीं होता है, विनर तो प्रेसिडेंट 4 में से तो एक तो विनर होगा और सेक्रेटरी भी 3 में से एक तो विनर होगा। तो सेकेंड सिस्टम चीज़ तो नहीं होता है पर भी, लेकिन जो भी अगर आप लोग जीतेगा हमको भी आप लोग का नॉलेज को हमको भी शेयर कीजिए, हम भी आप लोग का साथ, आप लोग जैसा जानकारी लोग का साथ रह के हम भी कुछ अच्छा खुद को भी और मोटिवेशन हम लाना चाहता है और रखना भी चाहता है, और हम आप लोग का साथ रह के हम और बहुत कुछ अच्छा अपना गलो समाज के लिए करने के लिए भी रेडी है। इसलिए हम आज ये मंजिल में आया है, हम अर्थ एंड कल्चर को हम इसलिए सोच किया है क्योंकि हम जितना सीखेगा अपना कल्चर और ट्रेडिशनल को प्रिजर्व करेंगे। हम जब हम अपर शिवनश्री गालो स्टूडेंट यूनियन में हम वाइस प्रेसिडेंट में था, तो जब हम अपर शिवनश्री गालो स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट में था तो हम जितना सका है हम हमारा वहाँ का अपर शिवनश्री गालो को हम यूनिटी में लेके चला है, और जितना भी किया है हमारा वहाँ का अपर शिवनश्री गालो स्टूडेंट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो मेरा टेन्योर में था उन सब का साथ यूनियन होके रहा। और उस समय में जो प्रेसिडेंट था अच्छा तभी था, उसके बाद देनी बोजे सेक्रेटरी में था सर जी, उस समय में उन लोग का साथ भी मेरा अटैचमेंट भी ठीक था और अच्छा से रहा। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ करेगा कुछ डेवलपमेंट लाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट है हम लोग, तो कुछ डेवलपमेंट ये सब तो काम तो नहीं है, लेकिन जितना भी सकता है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट लुक के लिए और जो भाई लुक के लिए अच्छाई के लिए लेके चलता है कुछ कुछ चीज़ के लिए। तो आपने ऐसा क्या क्वालिटी है जो स्टूडेंट आपको इलेक्ट करे जो इलेक्शन में, उसको तो एक्चुअली आपने क्या क्वालिटी है? तो हम हर कोई तो जैसे उसमें ऐसा है, हम करने वाला हम नहीं बोलते कि हम आज वो किया है, हम करने वाला नहीं बोलते कि आज हम ये किया है, क्योंकि हम करने वाला हम तो हम सोसाइटी के लिए काम करने वाला, हम स्ट्रेटली हम काम करते हैं, जो राइट है उसी को हम फोकस करके हम काम करते हैं, लेकिन जो हमको ऑब्जर्व करता है, जो हमको देखता है, उन लोग दिखाई देते हैं कि हम में क्वालिटी है ना नहीं है। क्योंकि हम अगर हम में क्वालिटी है नहीं है, हम नहीं बोलेगा कि हम ये क्वालिटी है ऐसा बोल के, हम बोल के तो हम नहीं चल पाएगा क्योंकि खुद को खुद तो नहीं बोल सकता है, लेकिन ऑब्जर्व करने वाला कोई साइड बाय साइड से होता है। तो मेरा हिसाब से हम जितना भी किया है हम राइट में काम किया है, हम कभी गलत वे में हम काम नहीं किया, तो इसलिए सही में काम करने वाला भले ही कुछ भी ना हो पर भी, लेकिन जो सही में काम करता है उसको समाज उसका पीछे पड़ता है। तो शायद जितना भी किया मैंने सही के सही में काम किया, और हम कभी करने का बाद ये नहीं बोले कि मैंने ये काम किया बोल के कुछ गर्व महसूस नहीं करता है, पर लेकिन शायद से देखने वाला बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि अच्छा काम तब होता है जब आप दिल से, तन और मन से काम करेगा,
तब तो हर चीज जो अच्छा ही होता है। अर्थ एंड कल्चर में तो बोला जाने से हम ड्यूरिंग 2019 मोपिन सेलिब्रेशन कमेटी 2019 का धूमपुरी जो मोपिन सेलिब्रेशन कमेटी उसमें भी मैंने असिस्टेंट आर्ट एंड कल्चरल सेक्रेटरी में रहा और उसमें भी मैंने रह के कुछ कुछ मैनेजमेंट भी किया। और ऐसा नहीं है कि हम आर्ट एंड कल्चर में आ रहे हम सॉन्ग हमको गाना गाने आता है डांस करने आता है वो नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ सिस्टम को पता है उसको अभी किस तरह का माहौल को लेके चलना है, कैसा मैनेज करना है, आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से किस टाइप का करना है, उसमें गेस्ट कैसा होना है, और कल्चरल नाइट अगर कुछ कल्चरल आइटम रखते भी तो उसका उसको किस टाइप का सक्सेस कराना है, ये सब मीन्स मैनेजमेंट उसका बाद थोड़ा बहुत मैनेजमेंट ये सब वगैरह तो रखता है। मैं खुद में इतना हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम मैनेजमेंट तो हम सीखेगा जो भी हो एनी हो। और हम तो हमेशा हर कोई दोस्त लोग को भी बोलते हैं कि अब लीडर है तो लीडर का पास तीन क्वालिटी होना है, एक है मैनेजमेंट कैपेसिटी होना है, एक होता है आपका लीडिंग कैपेसिटी होना है कैसा लीड करना है टीम को, और एक होता है आपका टॉलरेंट कैपेसिटी होना है। तो जो आदमी कुछ भी बोल दिया झगड़ा करेगा अर्गू करेगा ऐसा नहीं होना है, थोड़ा सा बर्दाश्त भी टॉलरेंट भी कर सकना है। तो अगर ये सब अगर लीडरशिप में है तो वही लीडर डिजर्व करते हैं ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईगो होना है एटीट्यूड होना है ये सब हमको भी अच्छा नहीं लगता है। और वही सोचते हैं कि जितना भी हमारा गलो इनहेबिटेड एरिया में बहुत सारा स्कूल है सेकेंडरी स्कूल हायर है तो उन में से हर साल को तो स्कूल कॉलेज वीक स्कूल वीक तो मनाया जाता है गलो इनहेबिटेड एरिया में। तो हम चाहते हैं कि अगर जो जो वहाँ पे कॉलेज स्कूल वीक जब स्कूल वीक मनाते हैं तो उसमें जो सिंगर सिंगिंग कंपटीशन होते हैं डांसिंग होते हैं एवरीथिंग्स तो होते हैं, तो उनमें से जो अगर सिंगिंग में जो अगर अच्छा लगे मीन्स जो विनर होगा उन सबको हम स्कूल से हेड वहाँ का कैप्टन लोग से लिस्ट कलेक्ट करके कौन कौन इस बार का स्कूल वीक में कौन विनर था सिंगिंग में, तो उन लोग का लिस्ट कलेक्ट करके हम कुछ एक ऑडियो बनाना चाहता है एल्बम बनाना चाहता है उन लोग का साथ कुछ एक अपना हम लोग का GSU का नाम से भी उसको एक उन लोग को प्रमोट करना चाहते हैं कि जो भाई लोग जो इतना टैलेंट है उन लोग का पास अंदर में छुपा के रखा है लेकिन वो प्रॉन्ग में जाने के लिए नहीं सकता है और कुछ कुछ ही जो जान के भी अंदर में दबाव में ऐसे रह जाता है। तो हम सोचते हैं कि वो सब टैलेंट लोग को हम लेके और वो सब सिंगिंग स्टार लोग को सबको लेके हम एक कैसेट एल्बम सबको मेरा जितना गलो इनहेबिटेड एरिया में जितना हायर स्कूल है वहाँ का हम एक एक भाई लोग को हम विनर को हम सेलेक्ट करके हम एक एल्बम बनाना चाहते हैं।